राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आपके MDU एग्जाम्स के बारे में, कि आपके जो एग्जाम्स है वो कहाँ पे होंगे और उसके बाद आपके जो पेपर है वो कहाँ चेक होंगे और आपके पेपर कौन चेक करेगा। ये बहुत दो तीन डाउट थे स्टूडेंट्स के और बार बार कमेंट्स और मैसेज भी आ रहे थे इनके रिगार्डिंग। वीडियो को पूरी देखना, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जो पेपर है वो कहाँ पे होंगे। तो आपके जो पेपर वो आपके कॉलेज सेंटर में ही होते हैं, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी में आपके पेपर होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेजों के पेपर उस कॉलेज में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई कई बार सेंटर नहीं होते किसी कॉलेज में, तो इस वजह से, या फिर वहाँ की मतलब सीट्स वगैरह है वो किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाती, तो इस वजह से नहीं होते। तो जिन भी कॉलेज में आपके पेपर होंगे वो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर शो होगा कि आपका पेपर किस कॉलेज में और कौन सी बिल्डिंग में, ठीक है। ये बिल्डिंग आपको कॉलेज में जाके पता लगेगा कि बिल्डिंग एक, बिल्डिंग दो, बिल्डिंग तीन, बिल्डिंग चार कौन सी है, ठीक है। तो कईयों में डिपार्टमेंट भी लिखे आते हैं। तो आपका जो पेपर है वो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होगा कि उस कॉलेज में और वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके पेपर चेक कहाँ पे होंगे। तो जैसे कोरोना काल चल रहा था, इसमें आपके जो पेपर है वो भाई आपके कॉलेज में ही चेक हो रहे थे और आपके जो टीचर हैं वो आपके मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे इस चीज़ में कि भाई हाँ बच्चे कम से कम फेल हो आपके कॉलेज के, क्योंकि आपके कॉलेज के बच्चे थे, आपके कॉलेज के टीचर ही चेक कर रहे थे। तो इस वजह से भाई उस टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन अब पिछले सेमेस्टर में भी जो नोडल ऑफिस है उसके बाद MDU में ही पेपर चेक हुए थे, अब की बार भी ऐसे ही होगा कि जो आपके पेपर है वो आपके MDU में ही चेक होंगे। आपके जो पेपर है सबसे पहले आपके पेपर आपके कॉलेज सेंटर से आपके जो नोडल सेंटर होता है उसमें आएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के बाद वो अलग अलग टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाती है। अब बात करती है कि आपका पेपर कौन चेक करता है। मेनली तो आपका जो सब्जेक्ट टीचर होता है वही आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक करता है, लेकिन वो किसी दूसरे कॉलेज का करता है, क्योंकि सभी के सभी पेपर एक बार यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ से जो मतलब बैग बनते हैं पेपर्स के, ठीक है। आपने कॉलेज में देखे भी हो कि बड़े बड़े बैग जाते हैं, मतलब 50-50, 100-100 सीटों के, वो आपके जो बैग है वो आपके जाएंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, उसमें से वहाँ से फिर वो बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड चढ़ाने के बाद वो आपके जो पेपर है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाते हैं टीचर्स में, जो आपकी एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगी है, जो पेपर चेकिंग में ड्यूटी लगी है टीचर्स की, उनके पास। वो चेक करने के बाद अपना जो रिजल्ट है वो और साथ में वो चेक की हुई कॉपी वापस यूनिवर्सिटी में जमा करवाते हैं, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है और उसके बाद पब्लिश किया जाता है। तो ये तीन डाउट्स है आज के। अगर इनके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, इनमें से अगर कुछ बात समझ में नहीं आया तो भी नीचे कमेंट कर देना, आपके रिप्लाई दे देंगे। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।